असलम व्यवर्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज फिर मेरी एक डॉक्टर के पास अपॉइमेंट थी तो मैं बच्चों को लेकर स्कूल से पिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर आ गई थी और क्योंकि असमारा ने कुछ तो होमवर्क अपने स्कूल में कर लिया था आ, लेकिन फिर भी उसका कुछ होमवर्क बचा हुआ था और उसको बड़ी टेंशन होती है आ, कि मामा हम घर पहुँचेंगे तो फिर लेट हो जाएगा आ, तो मैं यहीं पर कर लेती हूँ तो बस यहाँ पर आपको पता ही है कि आ, एयरली आपका चेकअप होता रहता है ये चीज़ें कुछ बहुत अच्छी हैं बच्चों का भी और आपको भी होता है कि जो लेडीज़ हैं वो भी करवाएँ इवन के हर एक की एक ख़ास एज के बाद भी ख़ास किस्म के चेकअप्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं शुरू हो जाते हैं और वो आपको करवाना पड़ता है जो कि एयरली होते हैं तो वैसे तो यहाँ पर बिल्कुल इतना ज़्यादा अलाउ नहीं है कि वीडियोस बनाई जाएँ लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत किया लाइक तो फिर वहाँ से फारग होकर मैंने कहा क्योंकि मैं इस वक्त जा नहीं सकती थी मेरा ट्रेन का टिकट जो था वो वैलिड नहीं था एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए बंद हो जाता है और मैं थी यहाँ पर सेंट्रल स्टेशन में तो इसकी दूसरी तरफ की बैक साइड पर भी बहुत खूबसूरत इन लोगों ने जो है वो क्रिसमस की डेकोरेशन की हुई थी आ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने व्यूवर्स को कुछ थोड़ा बहुत यहाँ से भी दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं लेकिन शुरू शुरू में जो मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था ना आप लोगों को लाइक यहाँ का राट हाउस का इलाका है तो वहाँ पर उस टाइम पे जो था इन लोगों ने टू जो था वो नहीं लाइक नहीं इन लोगों ने स्टार्ट किया था लेकिन अब जो है वो इसमें आप अंदर एंटर नहीं हो सकते थे क्योंकि आपको अपना आ, जो भी वैक्सीनेशन का पास था जो आपके मोबाइल पे था ऐप वो दिखानी पड़ती थी या कुछ तो बस मैंने बाहर से ही थोड़ा थोड़ा देखा और ये एरिया बहुत खूबसूरत है यूंग पेंस्टिक का इलाका है और इस वक्त हल्की पुल्की जो है वो स्नो भी आप लोगों को नजर आ रही है क्योंकि स्नो स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये कुछ ऐसे ही असर मगरब टैप के का वक्त था बेसिकली मगरब हो चुकी थी तो मैंने कहा चलो दिखाएँ पूरा एक पोर्ट टाइप का बनाया हुआ है जिस तरह से कराची है ना एक पोर्ट है तो उस तरह से यहाँ पर हैम्बर्ग भी जो है वो एक पोर्ट है तो यहाँ पर इस तरह की बड़ी बड़ी शिप्स भी होती हैं कभी इन मैं एक जगह है यहाँ पर जहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं लांडंगस ब्रुकन कहलाती है जो लोग जर्मनी में रहते हैं वो यकीन जानते होंगे तो मैं उस जगह की भी, भी आप लोगों को विज़िट कराऊँगी ये कुछ एरिया थोड़ा बहुत खुला हुआ था तो मैंने कहा मैं दिखा दूँ खैर चीज़ें तो वही सारी थी जो क्रिसमस मार्केट यहाँ पर लगती है और इस वक्त बहुत शदीद जो है वो थोड़ी बहुत मतलब बर्फबारी जो थी बूंदाबांदी के साथ हो रही थी तो मैंने कहा चलो यहाँ पर एक मॉल भी था बच्चों को लेकर मैं मॉल घुस गई और फिर बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके थे वहाँ बैठ के हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ लिया मतलब एक ही मैं इस तरह से लेती हूँ कि हम सब उसमें से थोड़ा थोड़ा शेयर कर लें क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि जब बच्चों के साथ जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको लेना ही पड़ता है बच्चों को भूख लगती रहती है तो ये वाला मॉल बहुत खूबसूरत है क्योंकि मेन सेंट्रल स्टेशन के पास है औरपा पसाज इसको कहते हैं और यहाँ पर जो है ना लाइक ऊपर फूड कोर्ट भी था वहाँ से पारिक होकर मैं घर आ गई ट्रेन की मैंने नहीं बनाई क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ तो मैंने सोचा कि मेरे व्यूअर्स कहीं ना लाइक like, बोर ना हो जाएं उस चीज़ को देख देख कर Uh, तो बस फिर घर आई तो मैं अपने लिए क्योंकि बहुत ठंड हो गई थी आज तो मैंने थोड़ी सी कपाचिनो बना ली और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत आराम से मुझे यहाँ पर पैनी में ना बहुत अच्छी सी प्राइस में जो है वो मिल गई थी और तो मैंने ये ले लिया था और फिर इसके अंदर इस तरह के कैप्स चलते हैं और ये आप ऑनलाइन बड़े आराम से नस्ले के होते हैं और आप ऑर्डर कर सकते हैं बेसिकली सारी कॉफ़ी में मुझे लाठे बहुत पसंद है और लाठे से ज़्यादा अच्छा मुझे कपा लगती है तो वो कपा चिनों में बना रही थी दो मुख्तलि जो लोगों के पास है वो जानते ही होंगे पीछे इसके पानी भरना होता है और सिंपल आप इसके जो कैप्स हैं वो डालें इसके अंदर और सिंपल मशीन सारे काम कर लेती है आपको कुछ करना नहीं पड़ता यहाँ पर तो इस सेंस में कॉपी बनाने की उसमें तो बस यही था और आप लोग बताएं आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है कौन कहाँ से मुझे देख रहा है और प्लीज़ जो भी देख रहा है जो फ़र्स्ट टाइम है मेरे व्यूवर्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आपको पता है ना ये बहुत मेहनत से ये सारे काम होते हैं और एक लाइक बच्चे वाली माओ के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होती हैं चीज़ें कि आप उसको बैठें और फिर टाइम निकालें क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ आपको अकेले ही करना होता है जैसे कि आपको पता है नो डाउट कुछ आसानी भी हैं जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे लाइट नहीं जाती इस तरह की हैं पानी के कोई इशूज़ नहीं हैं तो फिर दूसरी तरफ ये सारे प्रॉब्लम्स हैं तो ये थी मेरे कापाचिनों की फ़ाइनल लुक मैंने अपने इंस्टा पर भी लगाई थी और क्योंकि सर्दियाँ चल रही थी तो मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा इंजॉय करें बच्चों को फिर से भूख लग गई थी तो स्नैकिंग के लिए क्योंकि मैंने बाहर से थोड़ा सा कह लीजिए अनहेल्दी खिलाया था तो अभी मैंने जस्ट फ्रूट काटे थे जिसमें लीची था कीवी था और कुछ आपको ऑरेंजेस नज़र आ रहे हैं और एप्पल्स थे ये बड़े आराम से फ्रेश मिल जाते हैं बस ये होता है कि बच्चों को आपको उस वक्त देना होता है आ, क्योंकि बच्चों को फ़ौरन भूख लगती है तो पहले तो मैंने सोचा कि यार जो भी चीज़ है वो मैं दे दूँ घर में पड़ी हुई सिंपल अपनी फ्रेंच फ्राइज़ निकाला उसमें रखा लेकिन फिर बाद में मैंने कहा कि नहीं ऐसा करती दी हूं, कुछ हेल्दी दिया जाए ना तो ये मेरी खुद थोड़ी बहुत वो थी तो बच्चे साथ में आकर थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे क्योंकि स्कूल के बाद ना बहुत हैक्टिक हो जाता है होमवर्क तो ये लोग कर चुके थे और इस्माइल का कुछ ना कुछ रहता है क्योंकि इस्माइल थोड़ा स्लो है तो उसको काफ़ी टाइम लगता है लाइक ना हम उसके पीछे लगे रहते हैं फिर आज मेरे किचन में बनने जा रहा था बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस आलू गोश्त और सिंपल uh, मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था आधे घंटे के लिए और ये मेरी वही चिकन है जो एक ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं इसको धोकर रख देती हूँ और यहाँ पर मैंने सारे खड़े मसाले इसके अंदर डाल दिए थे खड़े मसाले uh, से मुराद है यानी कि uh, जो भी साबित मसाले हैं ना और यहाँ पर मैंने नमक हल्दी हल्दी पाउडर टर्मरिक पाउडर एंड देन आ, तो, कश्मीरी लाल मिर्च वो सब डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया और एक साइड पे मेरे जो अबाउट हा आ, मीडियम साइज़ का अनियन होगा वो मैं अच्छे से इसको ब्राउन कर रही हूँ क्योंकि एक कौरमे टाइप की मैं कुछ बनाना चाह रही थी तो मैंने कहा चलो मैं ये बना लूँ बेसिकली तो ये इसी तरह से बनता है एक और मेरा स्टाइल है जिसमें मैं सब कुछ जब बिल्कुल बिल दिल नहीं चाहता कुछ बनाने का तो सारे मसाले और मीट डाल के उसको प्रेशर कुकर में प्रेशर देती हूँ बाद में भुनाई करती हूँ वो भी बहुत मज़े का बनता है लेकिन अभी मेरा दिल चाह रहा था मैं इस स्टाइल से बनाऊँ आप यकीन जाने अगर आप ये वाला स्टाइल बनाएंगे तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आपको आती है ना और सिंपल मैंने चिकन को अच्छे से भुनाई की थी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और सारे मसाले पहले से डले हुए थे जैसे कि आपने देखा उसके अंदर दे टमाटर डाला था और अब मैंने इसको गलने के लिए छोड़ दिया है क्योंकि ये ऑर्गेनिक चिकन है तो ये उतना ही टाइम लेता है जैसे यहाँ का आपका मीट लेगा मीट से मरात लेने के मीट में आपके जो बकरे का गोश्त होता है ना क्योंकि मैंने तो देखा बहुत टाइम लगता है अगर इसको भी आप साथ में प्रेशर दे दें लेकिन अभी मैं कह रही थी कि ज़रा ज़्यादा मज़े, मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनता है अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें और रख दें और यहाँ पर मैं आलू ऊपर से डालूंगी जैसे कि मेरी बिरयानी की मैं डालती हूँ अक्सर सिंपल इसमें नमक डाला थोड़ा सा कलर ऐड किया और इसको बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पर डाल के छोड़ दूंगी क्योंकि साथ ही साथ आपके यहाँ पर कोरमा तैयार हो रहा है और uh, आलू भी आपके गल जाएंगे तो आपको आलू स्पेशली इस सालन के अंदर गलाने की कोई ज़रूरत नहीं है तो ये आ, मैं मुख्तलिफ़ ट्राई जो है मुख्तलिफ़ तरीके से ट्राई करती रहती हूँ अच्छा ये ऑप्शनल है आप डालना चाहें तो डाल दें क्योंकि मैं थोड़ा सा कौरमे टाइप की लुक दे रही हूँ सिंपल ये आलू गोश का साल नहीं है तो हल्का सा मैंने कौरमा मसाला इसमें डाला अबाउट वन वन एंड हाफ टी स्पून के करीब होगा और थोड़ा सा यूगर्ड भी डाल दिया था क्योंकि मैं बिल्कुल सारे लवाजमार डाल के और ऑथेंटिक थोड़ा सा यू नो आलू गोश एंड देन कौरमा स्टाइल बनाना चाह रही थी और ये ऑप्शनल है आप डालना चाहें तो डाल दें सिंपल अगर आप घर के मसाले डाल के बनाएंगे मेरी इसी रेसिपी से तो बहुत मज़े का बनता है बिलीव मी और वो आलू भी मेरे साथ साथ गल गए क्योंकि आप आलू को आपको पता है कि इतना ज़्यादा गलाने में कोई टाइम नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको कोई टाइम दरकार हो और फिर साथ ही साथ जो है वो मैं मटर पुलाव भी बना रही थी क्योंकि आपको पता है आलू गोश्त के साथ मटर पुलाव बहुत मज़े का लगता है सिंपल मैंने ऑयल को गर्म किया और उसके अंदर मेरे सारे जो भी थे दो तीन इलायची थी और वन इंच का स्टिक थी, वन बे लीव थी और ज़ीरा था वाइट ज़ीरा साबित ज़ीरा जो है वो डाला था और सिंपल मैंने साइड पे जो है वो बिल्कुल ही फाइनली उसको स्लाइस कर लिया था आ, अनियन को और वो डाल के इसको किया ये ऑप्शनल है हर इंसान अपनी तरीके से बनाता है अच्छा इस दफ़ा ना मेरे पास जो राइस हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे और मैंने लिडल से लिया था तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं कभी ख़राब क्वालिटी से भी बनाना चाहिए असल बात तो यही है कि आप ख़राब क्वालिटी से एक अच्छी चीज़ बनाएं ना खैर खाने की चीज़ को इस तरह नहीं बोलना चाहिए और बस ये हल्का सा ही मैंने क्योंकि बिल्कुल ब्राउन सा मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो प्लाव हो या बटर प्लाव हो किसी भी चीज़ का डिपेंड करता है कि आपने प्याज का कलर क्या रखा हुआ है अगर आप चाहते हैं कि प्या बिल्कुल वाइट पैट सा प्लाव आपको नजर आए तो उसके लिए बेहतर है कि आप बहुत ज़्यादा अनियन को ब्राउन ना करें ठीक है और अगर आप चाहते हैं थोड़ा तो ब्राउन टोन में आए तो फिर आप उसको वो कर दें और सिंपल मैंने थोड़ी देर के लिए मटर डाल के उसको सॉटे किया था नमक डाल दिया था और वन हाफ़ टी स्पून के करीब मैं ना वो भी डालती हूँ शुगर भी डालती हूँ उससे ना एक अच्छा सा आप कभी ट्राई कीजिएगा इतनी मज़े का इसका लाइक टेस्ट आता है हाफ़ टी स्पून ना और फिर नमक अपने टेस्ट के मुताबिक जो भी आपको पसंद हो जैसा भी पसंद हो और हल्का सा इसको ऊपर नीचे करके और इसके अंदर मैंने अपना वाटर कुकर से पानी ऐड कर दिया आ, पानी आपको पता होगा कि इसमें कितना आप डाल सकते हैं फॉर एग्जांपल डिपेंड करता है कि आपकी चावलों की क्वांटिटी क्या है ठीक है जो भी लोग चावल बनाते हैं आई थिंक उनको पता ही होगा और जस्ट मैं इसको ढक कर और फिर दम पर छोड़ दूंगी ठीक है पहले मैंने इसकी हीट को बहुत तेज़ किया जैसे कि आपको पता है और वही प्रोसीजर होता है जैसे बिरयानी का होता है और क्योंकि आपने राइस को हल्का सा गलाना है ना तो आपने इसको फ़ुल पे किया पहले और जैसे ही उसके अंदर स्टीम डेवलप हो गई तो उसके बाद उसकी जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम कर दिया और फिर थोड़ी देर के बाद टेन मिनट्स के बाद देखा अगर आप थोड़ा सा रह गया है उसमें कसर रह गई है चावलों में तो उसको बिल्कुल लो पे कर दिया तो बहुत अच्छे दम वाले और बहुत मज़े के ये मटर पुलाव मेरी बनती है और आप अच्छे वाले चावलों से बनाएँ तो और भी इसका अच्छा टेस्ट आता है अब यहाँ देख सकते हैं ये है मेरी फ़ाइनल लुक जो मेरी चिकन था जो कि ऑर्गेनिक चिकन है और आलूओं की आलू गोश्त की और साथ में मेरे मटर पुलाव तैयार बने हुए थे क्योंकि कभी कभार दिल चाहता है ना कि थोड़ा सा बिरयानी और इन सब चीज़ों से हट के भी कुछ होना चाहिए अब आप देखें कि वो जो लिडिल के चावल थे उसको भी मैंने कितनी महारत से बनाया <laughs> कि वो जो है चावल बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहे हैं इस फॉर्म में भी वरना यूजुअली जब आप पैनी और इस तरह की जगहों से लें तो वो मिक्सअप हो जाते हैं ठीक है तो ये है सारी वो मैंने अपनी प्लेट बनाई थी और आप देख सकते हैं एक लेग पीस है और मेरे अपनी सलाद है जो कि बहुत इसके साथ मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल बनता है Uh, इसका कॉम्बिनेशन लगता है तो ये मैंने कहा कि अपने व्यूवर्स को भी दिखा दूँ बहुत मज़े का बना था uh, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये रेसिपी अगर आप ट्राई करें कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और प्लीज़ uh, मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद uh, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में अंटिल दैट